रिसेंटली जब कल रात को मैंने गेम खोला, मैं क्या देखता हूँ, मेरी आईडी परमानेंटली बैन हो चुकी है, वो भी एक बहुत ही छोटी मिस्टेक की वजह से। ऊपर से उस आईडी में मैंने गोल्ड पास एंड सीनरी भी खरीद रखी थी। को पैसा बर्बाद पहन। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी इन छोटी छोटी मिस्टेक से बचें एंड अपनी आईडी को सेफ रखें, बिकॉज एक आईडी में 3-4 साल की मेहनत होती है यार। तो मैं नहीं चाहता भाई किसी की भी आईडी इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से बैन हो, जैसी मेरी हुई है। तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने क्लैश ऑफ क्लैंस प्लेयर्स जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना आज की वीडियो को, सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, सो प्लीज वॉच टिल एंड। वैसे मेरी आईडी बैन नहीं हुई है, मैं तो इंट्रो के लिए बोल रहा था। मानर साले का खोपड़ी तोड़ रे, खोपड़ी तोड़ साले का। How heavy is that? Light work and the bass on the track on my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink pretty straight from the tap. And I'm hating the slack couple miles from around like the hate in the kill. तो भाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी 11 मिस्टेक्स जिससे आपका अकाउंट परमानेंट बैन हो सकता है, ठीक है। और ये 2021 की लेटेस्ट टर्म्स एंड सर्विस है जो क्लैश ऑफ क्लैंस की उस पर अपडेटेड है। अब आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप लोगों ने क्या पता टर्म्स एंड सर्विस पढ़ रखी हो क्लैश ऑफ क्लैंस की, लेकिन भाई वो हर 2-3 महीने में अपडेट होती रहती है। तो काफी सारे लोगों को यहाँ पे अंदाजा भी नहीं होता भाई कि यहाँ पे क्या क्या नया नया ऐड हो रहा है जिससे हमारा अकाउंट बैन हो सकता है। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले एक बहुत बड़ा यहाँ पे बैन करने का रीजन यहाँ पे ऐड हुआ था हमारे गेम के अंदर, जो कि कुछ ही लोगों को पता है, वीडियो में आगे आपको बता दूंगा पहला रीजन वही है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो पर, बात कर लेते हैं पहला मिस्टेक जिससे हमारा अकाउंट बैन हो सकता है। एंड हाँ भाई, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाजू बेल कदम के ऑल पे सेट कर देना, बिकॉज ऐसी क्लैश ऑफ क्लैंस की डेली वीडियोस में लाता रहता हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे भाई। आई एम श्योर अबाउट दैट कि आने वाले टाइम में आपको जरूर मेरी वीडियोज हेल्प करेंगी। सो मेक श्योर सब्सक्राइब यार, 3 सेकंड का टाइम लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो का लाइक है 100 लाइक्स, सो प्लीज यार कंप्लीट करा देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो पर एंड सीधा बात कर लेते हैं अपनी फर्स्ट मिस्टेक जिससे हमारा अकाउंट बैन हो सकता है परमानेंटली। Playing Clash of Clans on your computer/laptop using emulator. भाई Clash of Clans की privacy and policies terms and service में 2 महीने पहले एक major update आया था जहाँ पर उन लोगों ने एक statement दी थी, अगर आप Clash of Clans को computer या फिर laptop में खेलते हैं using the emulator तो आपके account को ban किया जा सकता है कुछ reasons पे। अब आपको बता दूं भाई कि क्या reasons पे ban किया जा सकता है। देखो Clash of Clans ने नीचे just नीचे वहाँ पे detail दिया था इसका कि Clash of Clans जो है Android and iOS device को support करता है and वहाँ पे उसके पास manage करने की पावर्स होती हैं, बट एम्युलेटर जब आप यूज करते हैं अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में तो वहां पे ना थोड़ी बहुत पावर्स जो होती हैं वो एम्युलेटर के पास भी होती हैं। कहने का मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस के पास पूरी पावर नहीं होती है और एम्युलेटर भी गेम के अंदर कुछ चेंजेस ला सकता है। तो उसका सीधा मतलब ये है भाई कि अगर गेम के अंदर कुछ भी चेंजेस आते हैं एम्युलेटर की वजह से तो उस टाइम पे आपका अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा, बट ऐसा कभी होता नहीं यार। एम्युलेटर जो होते हैं भाई बहुत ट्रस्टेड होते हैं एंड ये आपके गेम के अंदर कुछ भी चेंज नहीं लाते हैं जब तक आप इनसे कुछ छेड़छाड़ ना करें। कहने का मतलब कुछ सेटिंग्स में ऐसा उल्टा फुल्टा ना करें जिससे कुछ चेंज आ जाए गेम के अंदर। तो ऐसा अगर आप करते हैं भाई तो आपके अकाउंट पर रिस्क है बिल्कुल, और अपने रिस्क पर खेल रहे हो अगर आप एम्युलेटर में खेल रहे हो। हाँ, इसका यहाँ पर एक मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप मतलब यार कोई भी सस्ते मस्ते एम्युलेटर में यूज कर रहे हैं और क्लैश ऑफ क्लैंस खेलने के लिए, तो आप एक काम करिए वेरीफाइड एम्युलेटर्स यूज करिए, लाइक अपना ब्लू स्टैक्स, लाइक अपना गेम लूप एंड यहाँ पर दूसरे भी जो वेरीफाइड एम्युलेटर हैं, अगर आप इनमें खेलते हैं तो ये जो है ना रिस्क थोड़ा कम रहता है एंड वहाँ पर चांसेस कम रहते हैं कि आपका अकाउंट बैन हो। एंड एक चीज ओवरऑल बोलना चाहूंगा, अगर आप एम्युलेटर यूज करते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस को खेलने के लिए, यूज इट ऑन योर रिस्क। तो भाई अब बात कर लेते हैं सेकंड चीज के बारे में, यूजिंग थर्ड पार्टी एप्स और वेबसाइट। भाई जो छोटे बच्चे होते हैं ना जिनका दिमाग थोड़ा कम डेवलप होता है, उनको सब चीज़ें पता नहीं होती भाई कि क्लैश ऑफ क्लैंस में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो कि मतलब यार आप थर्ड पार्टी ऐप को यूज करके गेम के अंदर कोई चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आपका अकाउंट है ना उसी पल जिस पल आप कोशिश करेंगे उसी पल आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। सो भाई ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए समझना, अगर आप कोई भी यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप और वेबसाइट यूज करते हो इन गेम चेंजेस लाने के लिए क्लैश ऑफ क्लैंस में, तो भाई ये प्राइवेसी जो पॉलिसी है ना इनकी बहुत सख्त है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो तो कोई भी यहाँ पे आपको मतलब ऑप्शन भी नहीं मिलेगा रिकवर करने का अकाउंट को, सीधा अकाउंट बैन हो जाएगा एंड परमानेंट बैन। बात कर लेते थर्ड यहाँ पे चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फनी भी है, यूजिंग बॉट्स। काफी सारे लोग यहाँ पे बॉट्स यूज करते हैं पुशिंग करने के लिए, गेम खेलने के लिए। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन करने दो। देखो भाई आपके पास अगर 15-20 अकाउंट हैं, अगर आप सबको मैनेज एक साथ नहीं कर पाते हो दिन में और आपको सबको मैक्स करना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कुछ लोग यहाँ पे जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, कुछ ज्यादा ही दिमाग है लोगों के पास, वो लोग बॉट्स यूज करते हैं एंड बॉट्स का यूज करके गेम के अंदर ऐसा फंक्शन बना देते हैं कि ऑटोमेटिकली सब कुछ होता रहेगा, आपको कुछ करने की
पड़ेगी नहीं। भाई ये एक हफ्ते के अंदर डिटेक्ट कर लेता है इनका सिस्टम कि कौन कौन बॉट्स यूज कर रहा है, एंड जैसे ही इनको पता चलता है अकाउंट परमानेंटली बैन। तो अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप इट राइट नाउ। बात कर लेते हैं फोर्थ यहाँ पे हमारी चीज जो है अकाउंट फिशिंग। अब देखो आप क्लैश ऑफ क्लैंस अगर 3-4 साल से खेल रहे हो तो आपको पता ही होगा ना, आप लोगों ने क्या पता ट्राई भी किया हो बहुत सारे लोगों ने। अकाउंट फिशिंग का मतलब ये है भाई, जैसे कि आपको कोई अकाउंट है नहीं एंड एक ऑप्शन होता है क्लैश ऑफ क्लैंस में हेल्प एंड सपोर्ट में, उसका नाम होता है लॉस्ट माय योर अकाउंट। और लॉस्ट योर अकाउंट ऑप्शन को यूज करके आप मतलब अपना अकाउंट को वापस ले सकते हो। वहाँ पे कुछ सर्वर क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि आपका अकाउंट का टैग क्या है, आपका अकाउंट कब क्रिएट हुआ था, इसका नाम पहले क्या था, कुछ ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट वो है ही नहीं, आप ट्राई कर रहे हो किसी और का डेड अकाउंट को यहाँ पे अपना बनाने का, तो वहाँ पे क्या होता है ना भाई, क्लैश ऑफ क्लैंस डिटेक्ट कर लेता है। अगर उनको थोड़ी भनक लग जाती है ना कि अगर आप फेक हो एंड मतलब आपका अकाउंट है नहीं, आप इसको गलत तरीके से पाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसी पल आपके अकाउंट को ना जिस अकाउंट से ट्राई कर रहे हो उसको बैन कर दिया जाएगा। तो ये कोई भी मतलब ट्राई मत करना। कुछ लोग यहाँ पे मतलब देखेंगे भाई कि TS13 मैक्स अकाउंट है, डेड पड़ा हुआ, चलो इसको मैं अपना बना लेता हूँ। भाई इतना भी मतलब यार क्लैश ऑफ क्लैंस भुद्दू नहीं है कि आपको ऐसे ही मतलब ले लेने देगा अकाउंट। इतने क्वेश्चंस पूछेगा ना भाई, अकाउंट कब क्रिएट हुआ था, इसका पहला नेम क्या था, इसका नेम चेंज कब किया था, मतलब इतने क्वेश्चन पूछेगा कि उसका ओनर भी आंसर ना दे पाए। तो समझ रहे हो ना कि कितना हार्ड होता है एक अकाउंट को रिकवर करना या फिर लॉस्ट अकाउंट को वापस लाना। तो कहने का मतलब जो उसका ओरिजिनल ओनर है वो तक तो लाने में मतलब पागल हो जाता है। तो अगर आपका अकाउंट है ही नहीं तो पक्के में आपका अकाउंट बैन हो जाएगा जिस अकाउंट से आप ट्राई कर रहे हो। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड 6th पॉइंट के बारे में, जो है डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूजिंग इन क्लैन चैट। भाई अगर आप क्लैन चैट में अपने क्लैन मेट्स या किसी को गाली देते हो ना, तो भाई प्लीज संभल जाओ, बिकॉज ये करने से ना आपका अकाउंट है पहले 2 दिन के लिए लॉक होगा, फिर मतलब बैन हो जाएगा परमानेंटली। अब मुझे समझाने दो वर्क कैसे करता है। लाइक अगर आपने कुछ गाली दी क्लैन चैट में या फिर आपने कुछ उल्टा फुल्टा लिखा जो कि मतलब इनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है एंड स्लैंग्स यूज किए, और उसके अगले ही पल या फिर उसके तो 3-4 मिनट बाद किसी ने आपको रिपोर्ट कर दिया, चाहे वो किसी एक ही बंदे ने रिपोर्ट किया हो, आप पे ना वेरिफिकेशन होता है, एक ह्यूमन रिव्यू, यानी एक ह्यूमन रिव्यू करता है आपने क्या लिखा था चैट में एंड किस वजह से आप पे यहाँ पे रिपोर्ट पड़ा है। तो अगर वहाँ पे वो फाइंड करते हैं भाई कि आपने कुछ गलत लिखा था, तो आपको एक दो बार इग्नोर कर सकते हैं कि भाई चलो एक दो बार हो गया, लेकिन अगर आप बार बार ऐसा कर रहे हैं तो आपका अकाउंट पक्का बैन होगा, पहले लॉक होगा 2 दिन के लिए, फिर बैन होगा। चलिए बात कर लेते हैं 7th चीज़ के बारे में, जो कि यार मतलब कुछ लोग करते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, मिसयूजिंग रिपोर्ट पावर। देखो आपको पता होगा क्लैश ऑफ क्लैंस में रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, मतलब कोई गलत काम कर रहा है उसे रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी को रिपोर्ट करते हैं उसने कुछ किया ही नहीं है, मतलब बेमतलब में तफरी में रिपोर्ट कर रहे हो, तो भाई ना आपको यहाँ पे मेल आएगा कि ऐसा कुछ मेल आएगा भाई कि थैंक यू सो मच फॉर योर रिपोर्ट, एंड अगर आपने वहाँ पे कुछ मतलब बेमतलब उसे रिपोर्ट किया तो ह्यूमन रिव्यू के बाद ऐसा लिख के आएगा कि आप गलत कर रहे हो एंड ये गलत है, आप किसी को बेमतलब में रिपोर्ट कर रहे हो, अगर आप अगली बार ऐसा करते हो तो आपका अकाउंट जो है लॉक कर दिया जाएगा या फिर बैन कर दिया जाएगा। तो यार देखो ये चीज़ बहुत सीरियस है, ऐसा करिएगा मत कभी, बिकॉज अगर आप किसी को बेमतलब में रिपोर्ट करते हैं तो आप पे एक्शंस हो सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 8th पॉइंट के बारे में, जो कि है भाई अकाउंट सेलिंग। अकाउंट सेलिंग यार देखो मतलब वेरीफाई कैसे करते हैं लोग कि इसने अकाउंट सेल किया था, इसने अकाउंट खरीद के यूज़ कर रहा है। तो भाई देखो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप जो ओनर अकाउंट के तो आपको हर एक चीज़ पता होगी भाई कि अकाउंट में क्या कैसा है एंड कभी से क्रिएट किया गया है। तो बेसिकली क्या होता है ना भाई, अकाउंट जब कोई सेल करता है किसी को और गलती से मतलब 2 लोगों ने एक ही बार में अकाउंट खोल दिया, तो उस टाइम पे क्या होता है, इनको पता चल जाता है कि भाई ये 2 लोग यूज़ कर रहे हैं, किसी ने किसी को शेयर किया अकाउंट, तो उस टाइम पे उस अकाउंट को लॉक कर दिया जाता है भाई एक दो बार में। अब कभी क्या होता है ना भाई, आपने अकाउंट अपने दोस्तों को भी दे रखा है कि भाई तू भी कभी खेल ले, एंड गलती से कभी उसने खोल दिया एंड आपने भी सेम टाइम पे खोल दिया, तो उस टाइम पे क्या होता है भाई, शायद आपका अकाउंट जो है थोड़े दिन के लिए लॉक हो सकता है, क्या पता आपको एक दो बार इग्नोर कर दिया जाए। बट हाँ, अगर बार बार ऐसे करते हैं तो आपका अकाउंट जो है परमानेंटली बैन हो सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे 9th पॉइंट के बारे में, जो कि काफ़ी सारे लोग को इसके लिए बहुत कन्फ्यूजन है, मल्टीपल अकाउंट यूज़ करना क्या गलत है। भाई देखो लगभग सभी लोग यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस में, बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है मतलब पहले से ही कि मतलब यार क्लैश ऑफ क्लैंस अपने टर्म्स एंड सर्विस में लिख रखा है कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे बैन किया जा सकता है, इट इज़ रॉन्ग टू यूज़ मल्टीपल अकाउंट्स। तो भाई ये क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ कर रहे हो खुद के नहीं किसी और के, तो वहाँ पे क्या होता है ना भाई, अगर उस बंदे ने भी सेम टाइम पे खोल दिया, आपने भी सेम टाइम पे खोल दिया, तो वहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैंस सिर्फ वेरीफाई करता है कि आपके खुद के कितने अकाउंट हैं, आप किसके कितने और के यूज़ कर रहे हो, कितने अकाउंट्स हैं, तो 2 डिवाइस में लॉग इन है। तो ये सब रिव्यू करने के बाद अगर उसको ऐसा लगता है भाई कि आप बहुत सारे अकाउंट जो कि दूसरे के यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा ना भाई कि आपके अकाउंट को पहले लॉक किया जाएगा एंड उसके बाद आपके अकाउंट को परमानेंटली बैन किया जाएगा। और भाई ये कोई भी हो सकता है भाई, मतलब किसी के साथ भी हो सकता है, तो इस चीज़ को एक चीज़ समझना यार, कभी भी ऐसा कोई अकाउंट जो आपने दोस्तों के साथ शेयर कर रखा है
तो कभी भी दोनों साथ में मत खोलना ऐसे, मतलब बातें कर लेना यार कि प्लीज़ यार जब तुम अकाउंट खोलो मुझे वहाँ मैसेज कर देना कि मैं अकाउंट खोल रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं ना खोलूँ वरना हम लोग अकाउंट जो है लॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ भी काफ़ी सीरियस है यार कि दो लोग एक साथ अकाउंट मत खोलेगा कभी, इससे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे 10th पॉइंट के बारे में जो कि अनअप्रोप्रिएट बेस लेआउट। अब देखो यार जैसे ये बेस लेआउट है, देख लो यहाँ पे मैंने वॉल्स को यूज़ करके सुपर सेल लिख रखा है। कुछ लोग यहाँ पे वॉल को यूज़ करके गंदी गंदी चीज़ें बनाते हैं या फिर कुछ उल्टा पुल्टा लिखते हैं, तो पता है आपको ये चीज़ भी गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अकाउंट जो है बैन हो सकता है। बात कर लेते हैं 11th चीज़ जो कि अपना लास्ट है यहाँ पे, लास्ट मिस्टेक जो मतलब आपको अकाउंट बैन करने तक ले जा सकती है, ये है भाई अनअप्रोप्रिएट क्लैन नेम और डिस्क्रिप्शन। अब देखो क्लैन नेम और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको पता ही है भाई A to Z कोई भी अल्फाबेट यूज़ कर सकते हो एंड A to Z कोई भी स्लैंग्स यूज़ करके क्लैन आप बना सकते हो। मतलब गाली यूज़ करके आप क्लैन बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन में गाली लिख सकते हो। तो वहाँ पर होगा क्या पता है, अगर आप गाली यूज़ करके अगर क्लैन का वो बनाते हो ना, क्या बोलते हैं उसे यहाँ पे नेम या फिर डिस्क्रिप्शन गालियाँ यूज़ करके या फिर कुछ उल्टा या फिर स्लैंग्स यूज़ करके बैड लैंग्वेज यूज़ करके, तो होगा क्या भाई जिसने अकाउंट मतलब जिसने क्लैन बनाई है ना उसको यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा। एंड ये मतलब यार देखो 100% रहता नहीं कि आपका अकाउंट ने ऐसा किया है तो आपका अकाउंट बैन होगा ही होगा, लेकिन हाँ अगर आपके अकाउंट को मतलब यार ह्यूमन कभी रिव्यू करता है या फिर आपके जो क्लैन को रिपोर्ट्स पड़ती हैं तो उसको अगर आपके क्लैन जो रिव्यू पे जाती है तब उस टाइम पे पता चलता है कि भाई इस बंदे ने क्लैन को क्रिएट किया था या फिर इस बंदे ने क्लैन का नाम ये रखा था, तो उसी पल भाई क्लैन को ना बैन कर दिया जाता है, मतलब पूरी क्लैन को डिलीट कर दिया जाता है और उसका जो ओनर होता है जिसने मतलब किया रहता है तो उसके अकाउंट को भी बैन कर दिया जाता है। ये बहुत बार हो चुका है कुछ क्लाइंट्स के साथ। तो ठीक है आज के वीडियो के साथ इतना ही, एंड भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, उसका टाइटल आपको बता देता हूँ, हाउ टू गेट TS13 अकाउंट विदाउट मतलब कुछ मेहनत किए बिना यार, और मतलब बहुत ही सिंपल तरीका आपको समझाऊंगा। तो उस वीडियो का मतलब जो लोग वेट कर रहे हैं भाई, हमारे आयुष भाई हैं, पिछले 3-4 वीडियो में बहुत कमेंट किए भाई TS13 वीडियो कब आएगी, TS13 वाली वीडियो कब आएगी, भाई वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, आपका वेट खत्म हो चुका है, रेडी हो चुकी है वीडियो, शाम या फिर कल तक में वो वीडियो आ जाएगी एंड वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो उस वीडियो को मिस मत करना, मेरी एक रिक्वेस्ट है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।